जी हाँ, सम्मान्य सभी माता के भक्तों को जय माता की। और जो एक माता को बोलियम हम आपके बीच में लेके आए हैं, जो अपने सब खेरों की खेर माई खटोला, जो बुंदेलखंड की प्रसिद्ध माता हैं, और आप जो भी जितने भक्त मां के दरबार में जाते हैं, उस मां खटोला के दरबार में, तो हर भक्त अपनी मुराद पूरी कर पाता है और उसकी मुराद पूरी होती है। लीजिए इस कैसेट के माध्यम से, राय ख्याल के माध्यम से माई खटोला का गुणगान करते हैं। इसके बाद फिर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगा माई खटोला के बारे में। लीजिएगा, सबसे पहले सुने ये राय ख्याल का वॉल्यूम। जय जय गजबदन गणेश जी, लंबोदर सरकार, पुष्प समर्पित कराते हो कर लीजे स्वीकार। शारद शेष महेश जू जय हो, सुरपति इंद्र सब जन दया विचारियो, विनय करत देवेंद्र। सुमरो रे खटोला की जाखे, अब करियो सहारो सब वाने के, करियो सहारो सब वाने के, करियो सहारो सब वाने के, करियो सहारो सब आने के, करियो सहारो सब आने के, करियो सहारो सब जाने के, करियो सहारो सब आने के, करियो सहारो सब आने के, करियो सहारो सब आने के। सुमेरो रे सुमेरो रे माता, सुमेरो रे माता, सुमेरो रे खटोला की खेर, सुमेरो रे खटोला की खेर, करियो सहारो सब आने के, 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 ए मैया करियो सहारो सब आने के, ए करियो सहारो सब आने के, ए करियो सहारो सब आने के, करियो सहारो सब आने के, करियो सहारो सब आने के, ए सुमरो रे खटोला के करियो सहारो, ए सुमरो रे खटोला के करियो सहारो। Thank you.
समरो रे माई खटोला की खेर करियो सहारो सबान के। ओ खटोला माता को दरबार बड़ा मलहरा से लगभग 8 किलोमीटर, पहले महराजगंज और महराजगंज से 3 किलोमीटर सिगरामपुरा रोड पर माई का दरबार लगा हुआ है। और जहां साक्षात मां दुर्गा विराजमान है और कोई भी भक्त आज तक उस दरबार से निराश होकर नहीं गया, ऐसी मां खटोला की कृपा है। कह रहे हैं मां मैया खटोला वाली, आपका डेरा खटोला में है तो मैया खटोला वाली लाज राखे रो हमारी, मैया खटोला वाली लाज राखे रो हमारी, मैया खटोला वाली लाज राखे रो हमारी, मैया खटोला वाली लाज राखे रो हमारी। आज ये प्रमाण है इस दरबार का, इस मां का, कि यहां एक ही जाति के लोग निवास कर पाते हैं, वो है पटेल समाज। उस मां की ऐसी कृपा है इस जाति के ऊपर कि हमेशा ये बने रहें, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। कोई अन्य बिरादरी का जाए वो निवास बना के नहीं रह सकता, ऐसी मां की कृपा है। और वही चंडी काली और कंकाली, अब चंडी काली और कंकाली बैठी जहां हिंग लाजन है, बैठी जहां हिंग लाजन है, ओ उतई माई बगराजन है। चंडी काली और कंकाली बैठी जहां हिंग लाजन है, उतई माई बगराजन है।
क्या दरबार है माँ का। एक अच्छाई में भूत तो कोसन दूर भगत, उ माई खटोला के दरबार में। ओ कैसे भगत सुन लो धर के ध्यान, सुन लो धर के ध्यान, सुन लो धर के ध्यान, इते बैठी गणा संगे माँ। ओ माँ के साथी कौन, सुन लो धर के ध्यान, सुन लो धर के ध्यान, इते बैठी गणा गिन गिन के नाम सब बखानो। सुन लो धर के ध्यान, गिन गिन के नाम सब बखानो। सुन लो धर के ध्यान, गिन गिन के नाम सब बखानो। सुन लो धर के ध्यान, ते बैठी गड़ान। माई के संगे और को है कौन, गोरैया ठूठा मामू गंगा राम अघोरी। अब कौन, गोरैया ठूठा मामू गंगा राम अघोरी, और दूला देव और भैंसा सोर है, दूला देव और भैंसा सोर है, तानो तई बसोरी बसोरी, वो तई बैठे पठान, वो तई बैठे पठान, इते बैठी गड़ान, इते बैठे पठान, इते बैठी गड़ान, गिन गिन के नाम सब बखानो। सुन लो धर के ध्यान, गिन गिन के नाम सब बखानो। किसान ब्राजी खटोला में आन के, और ये एक ऐसी माँ है। अरे जादू चले ना बंगाल को, अरे जादू चले ना बंगाल को, ओ मोरी जादू चले ना बंगाल को, ए मैया जादू चले ना बंगाल को, ऐसी है जाखेर जादू चले ना बंगाल को, ऐसी है जाखेर जादू चले ना बंगाल को। ¡Gracias!
माँ का वर्णन कोई नहीं कर सकता। माँ तो जगत जननी है और उस माँ का वर्णन मैं नहीं कर सकता। मैं तो इतना जानता हूँ उस खेर को जो हमारे सब खेरों की खेर ब्राजी है माई खटोला। तो धन्य खटोला की है महिमा, धन्य खटोला की है महिमा, धन्य यहाँ के राजा को। एक राजा हुए हैं सूरत सा राजा, जिनके नाम से ये पूरा क्षेत्र, पूरा बुंदेलखंड जाना जाता है और खटोला गांव को जाना जाता है। और राजा ने क्या किया, धन्य खटोला माँ की महिमा, और धन्य यहाँ के राजा को। अरे राजा को और सुख दे गए हैं प्रजा को, धन्य खटोला की है महिमा, धन्य यहाँ के राजा को, सुख दे गए हैं प्रजा को। राजा एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने एक बुढ़िया को नहाते हुए देखा, आधी धोती पहने थी, और जब उनकी नजर उस औरत पर पड़ी तो राजा ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। उन्हें इतना दर्द हुआ, इतना दुख हुआ कि मेरे राज में लोग इतने गरीब हैं। कहा राजा ने, देख गरीबी एक बुढ़िया की, राजे भाई गिलानी है। अपने आप में गिलानी हुई राजा को कि मेरे होते हुए मेरी प्रजा दुखी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। देख गरीबी एक बुढ़िया की, राजे भई गिलानी है, जा गिलानी है। और सोच करें महलन में बैठे, छोड़े भोजन पानी है। देख गरीबी एक बुढ़िया की, राजे भई गिलानी है, सोच समझ कर महलन बैठे, छोड़े भोजन पानी। और जब अन्न का पानी का त्याग कर दिया सूरत सा राजा ने, महलों में बैठ गए। रानी आई, रानी ने पूछा कि राजा क्या बात है, क्यों उदास हो? तो राजा ने कहा, यह बात तुम्हारे लिए बताने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी रानी बोली,
ऐसो हाल देख के उनको ऐसो हाल देख के उनको पूछन लागी रानी है रानी है कौन तो संकट आन परो है जल्दी कहो कहानी है ऐसो हाल देख के उनको पूछन लागी रानी है कौन तो संकट आन परो है जल्दी कहो कहानी है प्रयास किया रानी ने पूछने का लेकिन एक ही उपाय आया सूरत सार राजा के मन में कि अगर मेरी प्रजा दुखी है तो मैं दुखी प्रजा को नहीं देख सकता। उस मां भवानी की कृपा हमेशा सूरत सार राजा पर बनी रही लेकिन फिर भी राजा ने क्या किया राजा ने सोचो मन में विचार आया रानी ने पूछा क्या हो गया राजा से लेकिन राजा ने कुछ नहीं बताया एक विचार आया राजा ने सोचो मन में मेरे चे भर लई ने राजा ने सोचो मन में मेरे चे भर लई ने जब आखिर राजा सूरसा ने अपनी फोड़ ली प्रजा के पीछे रानी को ये दुख न सहा गया तो रानी महलों में जाके रोने लगी। अरे ऐसे राजा की तो हम आप क्या ये सारी दुनिया नाम लेगी उनका गुणगान करेगी और ये सब राजा ने किया किसके लिए एक प्रजा के लिए। धन्य धन्य सूरत सा राजा मैं तो यही कहता हूं कि ऐसा राजा ना हुआ है ना होगा। धन्य धन्य सूरत सा राजा जिनने विपत मंगाई बे आहावे मुझे आहावे धन्य धन्य सूरत सा राजा जिनने विपत मंगाई बे आहावे मुझे आहावे और जब
आंखें फोड़ ली, माँ साक्षात प्रसन्न हो गई राजा पर। तो कौन माँ? वही खटोला में जो निवास बनाए है, अपना डेरा जमाए है, वो माँ प्रसन्न हो गई। बोली, राजा बेटा मांग ले, क्या चाहता है तू? राजा ने कहा, माँ मैं इतना मांग रहा हूं कि मेरे राज में कोई भी गरीब दुखी ना रहे, कोई हीन ना रहे, कोई परेशान ना रहे। और जब ऐसी विनय माँ की, राजा की माँ ने सुनी, और जब माँ से मांगा कि माँ इतनी कृपा कर दो, और जब माँ प्रसन्न हुई तो राजा ने मांगा कि मेरी प्रजा को इतना दे दो कि वो सुखी रहे। तो इसीलिए कहा है, सवा पहर कंचन बरसायो खुशी भये नर नारी। सवा पहर कंचन बरसा उस खटोला में, और उसी कंचन से घर घर के लोग प्रसन्न हो गए उस माँ की कृपा से। तो धन्य धन्य सूरत सा राजा, जिनने बेपत मंगाई वे। उनने क्या किया? सवा पहरे कंचन बरसायो खुशी भये नर नारी वे। आवे सवा पहरे कंचन बरसायो खुशी भये नर नारी। कंचन बरसायो खुशी भये नर नारी रे। आवे हुवे सवा पहर कंचन बरसायो